प्रदेश के पूर्व सीएम कैलाश जोशी के पुत्र और कांग्रेस के नेता दीपक जोशी इन दिनों जनाक्रोश यात्रा के साथ बिंद के दौरे पर हैं। वो जनाक्रोश यात्रा के समर्थन में जनसंपर्क कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बंसल न्यूज से बातचीत में खुद को जनसंघ से प्रेरित बताते हुए आज की बीजेपी को अटल काल की राजनीति से परे करार दिया है। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों और मौजूदा बीजेपी की कार्यशैली से व्यथित होकर कांग्रेस में आने की बात कही। उन्होंने बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ने के समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी के पुत्र और भारत मध्य प्रदेश के चर्चित राजनेता दीपक जोशी आज रीवा में है। जनसंघ और भाजपा का दीपक कांग्रेस में है। पहले आपने ऐसा कहा और फिर कहा कि मुझे कांग्रेस की शरण में आना पड़ा, तो क्या कांग्रेस की विचारधारा या भारतीय जनता पार्टी से व्यथित होने के बाद? देखिए, मेरा नाम ही दीपक है, जनसंघ का चुनाव चिन्ह था इसलिए मेरा नाम दीपक रखा, ये मेरे घर वालों ने बताया। जनसंघ की विचारधारा को मैं कभी भूल भी नहीं सकता, ना मैं कहूंगा वो अभूतपूर्व विचारधारा थी, वो दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा थी। बाद में हम बीजेपी की विचारधारा को लेकर तो अटल जी अडवाणी जी की विचारधारा रही, लेकिन दीनदयाल जी का दर्शन उसमें समाहित रहा। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में संगठन और सत्ता जिन लोगों के हाथ में है वो इस विचारधारा को तिरोहित करके बैठे हुए हैं। ना कार्यकर्ताओं का सम्मान, ना सरकार के माध्यम से जनसेवा, सरकार के माध्यम से धन सेवा और संगठन के माध्यम से अपने घरों को भरना, ये भाजपा में वर्तमान में 2018 के बाद बड़ी तेजी से प्रारंभ हुआ। कैलाश विजयवर्गीय जी ने अभी कहा कि कैलाश जोशी जी संत थे, संत राजनेता थे, और आपके कांग्रेस में आने को उन्होंने कहा असुरों की पार्टी में चले गए हैं। देखिए, कैलाश जी मेरे जहां मैं रहता हूं उसके नजदीक के व्यक्ति हैं। उन्होंने इंदौर के विकास के लिए काम भी किया, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन कैलाश जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। कैलाश जी आज जैसे लोगों के बीच रह रहे हैं वो कैसे हैं वो खुद ही जान लेंगे। क्या आप 2023 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ेंगे? आप पहले भी कह चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मैं बुद्धि से चुनाव लड़ने को तैयार। बिल्कुल, मैं शिवराज जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि शिवराज जी, मैंने पहले भी कहा था, जिस पिच के खिलाड़ी वो पिच मैंने बनाई है और उस पिच पे मैंने बहुत रन बनाए। शिवराज जी तो बाउंड्री में खड़े होते थे, 12वें 13वें खिलाड़ी में कहीं गिनती होती होगी, तो ऐसे दृष्टिकोण में उनको कैसे निपटाया।